मनुष्य अपनी विचार शक्ति का 90% अंश व्यर्थ नष्ट कर देता है और इसलिए वो निरंतर भारी भूलें करता रहता है। प्रशिक्षित मनुष्य अथवा मन कभी कोई भूल नहीं करता। मन को वश में करने के लिए तुमको अवचेतन मन की गहराई में अवश्य जाना पड़ेगा। वहां जो विभिन्न संस्कार विचार आदि संचित हैं, उन्हें क्रमबद्ध करना पड़ेगा तथा उन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। ये प्रथम सोपान है। अवचेतन मन पर नियंत्रण से चेतन मन पर तुम्हारा नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। यदि मन नियंत्रण के बाहर हो तो गुफा में रहने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वही मन सारा उत्पाद वहां भी उपस्थित करेगा। गुफा में हमें 20 शैतान मिलेंगे, क्योंकि सारे शैतान मन में विद्यमान है। यदि मन पर नियंत्रण हो तो हम जहां भी हों वहीं गुफा प्राप्त कर सकते हैं।